सो हे एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग GTA 5 को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सकते हैं। कैसे आप लोग GTA 5 को एंड्रॉयड डिवाइस में ऑफिशियली नहीं भी खेल सकते और बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होने वाला है और आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, मेरा मतलब है सब्सक्राइब के बटन के बाजू वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, तोड़िए फोड़िए कुछ भी कीजिए, आपके मोबाइल को 1000 फीट से नीचे गिराइए पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक होना चाहिए। सो गाइज, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे GTA 5 फैंस के साथ। और गाइज चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में, यानी कि अपने चैनल में, हम दोनों के क्या बोला अभी, हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड हो गई है जिसका नाम है स्टिल नो GTA 4। जी हाँ, इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है। और जी हाँ गाइज, ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसेप्ट है कि मैं इतना बड़े कंसेप्ट को एक ही वीडियो में क्लियर नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं 9 यानी कि वो वीडियो 9 मिनट की है, उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, पर इस वीडियो, अगर आप वो वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपको लाउड एंड क्लियर सब एकदम दिमाग में चला जाएगा और आपका जो क्रेज़ है हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन एनी एंड्रॉयड डिवाइस वो कम हो जाएगा, यानी कि एक हद तक जीरो हो जाएगा। सो गाइज, पहले वो वीडियो देखिए, वो आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा, यहाँ पर थंबनेल भी देख सकते हैं, यानी कि देखा ही होगा, अभी मैं डाल दूंगा थंबनेल इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, जल्दी से जाइए उसे देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि YouTube में, जी हाँ, पूरे YouTube में PUBG ने भी इतना सर्च नहीं कमाया जितना कि GTA Rockstar Games के होते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा सर्चेस होते हैं वो की है GTA 5। जी हाँ, GTA 5 को लोग इतना पसंद करते हैं कि इतने साल हो चुके हैं तब भी लोगों को GTA 5 का कुछ ना कुछ कंटेंट देखना ही होता है। लोग भले ही GTA 5 गेम प्ले डालते हो, GTA 5 फनी सीन्स डालते हैं, GTA 5 WTF सीन्स डालते हैं, जिनको समझ आ गया वो समझ गए, जिनको समझ नहीं आ गया वो जाइए और छोटा भीम डोरेमोन देखिए। तो उनको GTA 5 का कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है, हालांकि वो हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन एनी एंड्रॉयड डिवाइस ही क्यों ना हो, और उसी वीडियो से आपको हाउ टू मेक योर ओन GTA 5 जो कि मेरी वीडियो है वो मिल गई होगी, और वहीं से आप मेरे चैनल पे एंटर हो गए होगे हो और आपने मेरे सारे वीडियोस को देखा हो, मुझे सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, ऐसे ही हम दोनों कनेक्ट हो गए। तो ऐसी ही कुछ जर्नी है GTA 5 की। सो गाइज, इसका सर्चेस इतना ज़्यादा है गेम में, जी हाँ गाइज, पूरे में, मतलब पूरे कंटेंट्स में नहीं, गेम इंजन गेम सर्चेस में GTA 5 का सबसे ज़्यादा सर्चेस है, क्योंकि इसे बहुत लोग प्यार करते हैं, इसे बहुत लोग चाहते हैं और उन्हें GTA 5 चाहिए, यानी कि चाहिए। अगर एक रात में सारे GTA 5 का कंटेंट चला गया तो लोग बहुत बोर हो जाएंगे, वो तो अगली बात है, पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में GTA 5 को खेल सकते हैं और कैसे ऑफिशियली प्ले स्टोर में GTA 4 GTA 5 अभी तक हमारे लिए क्यों नहीं आई। तो एक्चुअली हम सभी लोग ये जानते हैं कि 10th एनिवर्सरी में रॉकस्टार अपनी गेम को लॉन्च कर लेता है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, जी हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में, उनका थोड़ी एंड्रॉयड डिवाइस है, तो प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देते हैं हर 10th एनिवर्सरी, क्योंकि जो GTA San Andreas है, GTA 3 है और GTA Vice City है, जी हाँ, जो कि सबकी फेवरेट है, ये तीन गेम, बुली गेम जो कि है वो सब 10th एनिवर्सरी पे ही प्ले स्टोर पे आई है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2008 में GTA 4 आई है, 2018 में GTA 4 का 10th एनिवर्सरी हो गया है पर वो अभी तक नहीं है। जी हाँ, ये क्यों नहीं है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो पहले देखिए फिर ये वीडियो देखिए, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुनकर ये ही वीडियो देख रहे तो आपका थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, पर मैं हालांकि थोड़ा थोड़ा उस वीडियो का भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इंजन चेंज हो गया। जी हाँ, जैसे कि वर्ल्ड आगे आगे जा रहा है, सब लोग डेवलप होते रहे, वैसे ही रॉकस्टार ने उनका गेम इंजन चेंज किया। जी हाँ, इसलिए तो GTA 5 है, GTA Vice City और GTA 5 को कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, हालांकि YouTube पे वीडियोस है पर कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ग्राफिक्स की लेवल 0 to 1000 lakh million billion है, क्योंकि उसकी डिटेल्स ही बहुत डेंजर है। और आपको लगता है कि जो GTA Vice City के गेम इंजन से वो गेम बनाया है, क्या उसी गेम इंजन से GTA 5 को बनाया गया है?
तो जी हाँ, इसका आंसर है नहीं। हालांकि GTA Vice City, San Andreas, GTA 3, Bully, इन चारों गेम को, यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इन चारों गेम को रेंडरवेयर के गेम इंजन से बनाया गया है, और GTA 4, GTA 5 ये दो गेम्स को रेज इंजन से बनाया गया है। रेज यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन। ये सारा कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो कि स्टिल नो GTA 4, उसका आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक, वो जाके देखिए। तो उसमें मैंने आपको बताया ये सारे कंसेप्ट। सो पॉइंट ये है कि अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुई। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स है, यानी कि वाई सिटी और GTA 5, इन दोनों का ग्राफिक्स बहुत ही, मतलब वो जीरो से बहुत बड़ा है, 1000 million billion है, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स बहुत ही डेंजरस है GTA 5 की और GTA Vice City की। अगर हम उस टाइम में तो बहुत अच्छी थी, पर अगर इस टाइम में 2019 में कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि हमने GTA 5 जैसे गेम्स देखे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि GTA 5 इज नॉट अ स्मॉल गेम। जी हाँ, ये एक इतनी बड़ी गेम है, यानी कि अगर मैं उस गेम को मेरे एंड्रॉयड डिवाइस में ले लूँगा तो वो पूरी 60 GB की है अप्रॉक्सीमेटली, और सिर्फ मेरे मोबाइल का 4 GB रह जाएगा, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद होगा 4 GB का, यानी कि मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा, और एक हद तक वो मेरी एंड्रॉयड डिवाइस में आएगी ही नहीं, और अगर 128 GB के तो वो मैं लूँगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो चला पाएगा या नहीं। जी हाँ, चला पाएगा, एक हद तक चला पाएगा, पर उसे, हमारे प्रोसेसर को ऐसा लगेगा कि उसे एक साल का जो होमवर्क है वही एक दिन में करना पड़ेगा। जी हाँ, एक साल का जो होमवर्क है वही एक दिन में उसे करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि डीसी यानी कि वो जो पुराने मारियो का गेम वगैरह था ना, वो डीसी। जी हाँ, तो डीसी है, जावा है, एंड्रॉयड है, पीसी है, PS4 है, Xbox One है। जी हाँ, इसका मेन रीज़न ये है कि GTA 5 PC, PS4 और Xbox One के लिए है। अगर वो लोग ये गेम को एंड्रॉयड में दे देंगे तो वो क्या होगा। जी हाँ, अगर वो लोग एंड्रॉयड में दे देंगे तो सभी लोग एंड्रॉयड में ही डाउनलोड करेंगे, और उनका जो सेल है PS, यानी कि आप लोग जानते हैं कि वो लोग CD में वगैरह वो उस गेम को देते हैं, हम उसे बाय करते हैं डॉलर्स देके। हालांकि अगर हम वेबसाइट से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो PC, PS4 और Xbox One के गेम्स अगर एंड्रॉयड में आ जाएंगे तो लोग वहीं पर खेलेंगे। और ये GTA 4 ही बोल रहा हूँ, GTA 5 रॉकस्टार गेम्स ये नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फुल ट्राई कर रहे हैं कि उसे लोग उस गेम को एंड्रॉयड में भी लाए, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि एंड्रॉयड में लाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, PC, PS4 और Xbox One में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग ये भी जानते हैं कि उनमें ग्राफिक्स बहुत अच्छी होगी। सो रॉकस्टार गेम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो ग्राफिक्स है उसे चेंज करके, पूरा गेम इंजन ही शायद चेंज करके हमारे लिए GTA 5 एंड्रॉयड के लिए ला रहे हैं। और प्ले स्टोर पर आपको दिखेगा GTA 4 फॉर एंड्रॉयड, GTA 5 फॉर एंड्रॉयड। सो यही कुछ रीजंस है GTA 5 के नहीं आने के लिए। सो गाइज, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप GTA 5 को एंड्रॉयड में कैसे खेल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है GTA 5 को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेलने के लिए। जी हाँ, ये 100% पॉसिबल है, और इसके इन फ्यूचर में वीडियो ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी रिसर्च चालू है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मालूम है, प्रैक्टिकली तो मैंने इसे किया नहीं है, पर जिस दिन मैं करूँगा और ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं आपके लिए वीडियो लाऊँगा। सो गाइज, बात ये है कि आप 2 टाइप से इसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, अगर यानी कि आप ऐसा जानते ही होंगे कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं, यानी कि कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही हम हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को PC से कनेक्ट करेंगे। PC में आपकी GTA 5 होने चाहिए, और GTA 5 अगर आपके एंड्रॉयड में नहीं है तो ठीक है, पर जो आपके PC के स्क्रीन में दिखेगा वही सेम टू सेम आपके एंड्रॉयड के भी स्क्रीन में दिखेगा। और अगर आप PC में GTA 5 खेलेंगे तो वही एंड्रॉयड में भी खेलती हुई दिखेगी, पर आपको तो एंड्रॉयड में खेलना है तो एंड्रॉयड में जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो एक ऐप से आ जाएंगे जो कि रिमोट कंट्रोलर है ऐसा कुछ, तो और वही गेम आप एंड्रॉयड में खेल सकते हैं GTA 5।
और वो पॉइंट ही है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज है कि देखिए मैं इस गेम को अपने एंड्रॉयड में खेल सकता हूँ, वाओ। अरे गाइज ऐसा नहीं है, वो लोग कंट्रोल कनेक्ट करके खेल रहे हैं। जिस लोगों को इसका नॉलेज होता है उनको ही वो समझ में आता है, और जिनको नॉलेज नहीं रहता वो बुद्धू बन जाते हैं और उनके डाउनलोड लिंक में जाते हैं। आपको क्या लगता है मैं आपको उल्लू नहीं बना सकता हाउ टू मेक ओन GTA 5 की? अगर मैं डाउनलोड लिंक डाल दूंगा ना वो 1 GB की है और उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हालांकि मुझे बहुत लोग बोले कि प्लीज़ लिंक की और GTA 5, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, पर वो उसे कहाँ पे डालना है वो भी मुझे एक्चुअली मालूम नहीं। मीडिया फायर वगैरह मेरी खुद की वेबसाइट भी नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा और उसे लाऊंगा। हालांकि मैंने वो डिलीट कर दिया, 1 GB कोई छोटी बात नहीं है, मैंने उसे डिलीट कर दिया, पर मैं उसे फिर से बनाऊंगा और आपको दूंगा। और फिर अप्रैल फुल के दिन आप बनाना जिसको अप्रैल फुल बनाना है, तो वो एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट वो होता है कि आप एक सर्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं। जी हाँ, पबजी मोबाइल भी आपको एक मैसेज देता है अगर आप नेटवर्क से ऑफलाइन होते कि आप कनेक्टेड नहीं है अपने सर्वर से। वैसे ही एक बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, यानी कि गूगल स्टेडिया का भी बीच में आया था। हालांकि मैं वो वीडियो डालने वाला था पर मुझे टाइम नहीं मिला। तो गूगल स्टेडिया, आपको क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं रहता? मुझे सब मालूम रहता है, सिर्फ मैं वीडियो नहीं डालता। तो गूगल स्टेडिया का भी ऐसा एक सर्वर आया है जिससे हम, यानी कि कंप्यूटर भी उनका होगा, गेम भी उनके PC में वगैरह जो भी होगा, XYZ ABC जो भी उनका होगा, उसमें A to Z सब गेम इंस्टॉल्ड हो गए और उनके सर्वर पे सिर्फ हम कनेक्ट हो गए, और वही होगा उनके स्क्रीन पर जो दिखेगा वही हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन पर दिखेगा और वही कनेक्ट होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उनका जो सर्वर है वो बहुत दूर होगा और हम बहुत दूर से उस गेम को खेल रहे होंगे, पर हम खेल रहे होंगे। सो लिक्विड स्काई करके भी एक है जहाँ पर हम खेल सकते हैं सिर्फ शायद से 15 या 10-20 मिनट्स के लिए ट्रायल, और उसके बाद हमें शायद पैसे दे के खेलना पड़ता है। तो इतना बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई कोई लोग अफोर्ड करते हैं तो वो लोग खेलते हैं, कोई कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो सिर्फ ट्रायल करके खेल के यूट्यूब पे डाल देते हैं कि देखो मैंने लिक्विड स्काई से किया है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड स्काई कुछ, मतलब उनका जो सर्वर है वो इतना बड़ा नहीं है। आपको फुल स्पीड वाईफाई, जी आपको वाईफाई को ही कनेक्टेड रहना होगा। जी हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया लिक्विड स्काई और वगैरह बहुत सारे ऐप्स है वहाँ से, मोबाइल नेटवर्क से तो आप उनके सर्वर को कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सर्वर पे पहले से बहुत सारा ट्रैफिक है और उन ट्रैफिक को ढकेल के आपको वहाँ पे जाना होगा, यानी कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट लगेगा और हाई स्पीड इंटरनेट से ही आप वहाँ पर कनेक्ट होंगे और उस गेम को खेल पाएंगे। तो ऐसा आप मोबाइल इंटरनेट से नहीं कर सकते, तो आपको एक लगेगा वाईफाई। जी हाँ, तो वाईफाई होगा तभी आप खेल सकते हैं। और सेकंड जो ट्रिक है, यानी कि सेकंड जो मेथड है, वो है अपने लैपटॉप को या फिर PC को एक साइड में रखो, उसमें दोनों एक ऐप है उसे मोबाइल में इंस्टॉल करो, उसमें भी इंस्टॉल करो और उन्हें कनेक्ट करो। आपके जो PC में दिखता है वही इसमें भी दिखेगा, और उसके बाद उधर भी GTA 5 चलेगी, इधर भी GTA 5 चलेगी, पर आपको तो एंड्रॉयड में खेलना है, तो आपको एंड्रॉयड को अपने अच्छे अच्छे हाथों में पकड़ना, साबुन से रगड़े हुए हाथों में पकड़ना और उसे खेलना। सो गाइज, ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो चुकी है, एक्चुअली मैं इसे छोटा बनाना चाहता था पर ये टॉपिक ही इतना बड़ा है। सो गाइज, होप करता हूँ कि आपने पहले मेरी वो पुरानी वीडियो देखी होगी और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं। सो गाइज, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हो तो आपको मालूम होगा, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर और बी अवेयर और आज से बंद कीजिए ये यूट्यूब पे टाइप करना हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन एंड्रॉयड, सिर्फ आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही एक दिन वो आएगी एंड्रॉयड पे तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि बताऊंगा, सिर्फ आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा और सर्च यूट्यूब के सर्च में जाके ये नहीं डालना होगा हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन एंड्रॉयड डिवाइस। जी हाँ, सो गाइज, आपको होप करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको पता चल गए होंगे कि एक्चुअली ये सब क्या है। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, आई एम साइनिंग नाउ ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।